टीम इंडिया में शुरू हुआ वेडिंग सीजन अब भी जारी है। पहले जहां युवराज और हेजल कीच ने अपनी शादी लीक को सेलिब्रेट किया, तो वहीं अब टीम इंडिया के फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा और बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रतिमा सिंह का मैरिज वनडे का नंबर भी आ गया है। जी हां, ईशांत शर्मा घोड़ी चढ़ने वाले हैं। ईशांत शर्मा दूल्हा बनने वाले हैं। ईशांत शर्मा का बैंड बजने वाला है। ईशांत शर्मा के घर शहनाई बजने वाली है। 9 दिसंबर यानी आज ईशांत शर्मा बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रतिमा सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। तैयारी की कुछ तस्वीरें ईशांत ने इंस्टाग्राम पर शेयर की। आपको बता दें कि ईशांत और प्रतिमा की सगाई जून में ही हो गई थी, जिसकी कई तस्वीरें मीडिया में आई। उसके बाद से शादी की तैयारियां जारी हैं। पिछले हफ्ते ईशांत ने प्रधानमंत्री को भी शादी के लिए निमंत्रण दिया था। इसके लिए अपनी मंगेतर के साथ प्रधानमंत्री से मिले, जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की। ईशांत प्रतिमा की शादी का आयोजन दिल्ली में ही किया गया है। ईशांत की शादी की रस्में 4 दिसंबर से वाराणसी में पूजा के साथ शुरू हुई थी। शादी की रस्में शुरू होने की जानकारी खुद ईशांत ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करके दी थी। उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन लिखा था, वेडिंग वीक स्टार्ट विद पूजा। आपको बता दें कि ईशांत की मंगेतर और बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रतिमा सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीजस एंड मैरी कॉलेज से पढ़ाई की है। प्रतिमा दिल्ली यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल कैप्टन रह चुकी हैं। ईशांत की पहली मुलाकात डीडीए के बास्केटबॉल ग्राउंड पर हुई और यहीं ईशांत को उनसे प्यार हुआ। ईशांत और प्रतिमा अपनी शादी का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने गए थे। ईशांत ने पीएम से मुलाकात की फोटो इंस्टाग्राम और प्रतिमा ने ट्विटर पर शेयर की थी।